अगर साधु किसी करोड़पति के बारे में भी विचार करेंगे तो वो भी धर्म ध्यान की श्रेणी में चला जाएगा, वो आर्त रौद्र ध्यान रूप नहीं हो सकता। और आप अगर किसी करोड़पति या अरबपति के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से वो आर्त ध्यान रूप हो जाएगा या फिर रौद्र ध्यान रूप हो जाएगा। अगर आपका कोई मित्र रहा तो फिर रौद्र ध्यान रूप होगा, आपको लगेगा कि हमारा मित्र इतना पैसे वाला है, हो गया रौद्र ध्यान, आनंद आ गया ना आपको, पैसे में आनंद आ गया तो रौद्र ध्यान हो गया। और यदि वो आपका मित्र नहीं है, आपको उससे ईर्ष्या है, तो आप उसके बारे में सोचते सोचते अंदर ही अंदर जलने लग जाओ कि इन्हीं के कारण तो दुनिया बिगड़ रही है, कोई गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देता, इतने पैसे हैं लेकिन फिर भी खर्च करने का नाम नहीं, कंजूस कितने हैं। ऐसे अगर विचार आएंगे हो गया आर्त ध्यान, हुआ कि नहीं। और साधु अगर विचार करते हैं क्या विचार करेंगे, लक्ष्मी पुण्य की संगिनी है, इस व्यक्ति की नहीं, क्या हो गया, न आर्त ध्यान हुआ न रौद्र ध्यान। अज्ञानवश यह संसारी प्राणी इस लक्ष्मी को अपनी संपदा मानता है, वास्तव में लक्ष्मी का संबंध तो केवल इसके पुण्य के साथ है, इसका पुण्य जहां नष्ट हुआ तो लक्ष्मी रवाना, इसीलिए तो लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है, चंचला। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। तो ये आर्त रौद्र ध्यान लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति को देख करके रागी जीव के हृदय में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो विरागता की ओर बढ़े हैं वो उनको देख करके भी धर्म ध्यान का आलंबन लेते हैं। है संपत्ति, लेकिन संपत्ति का संबंध किसके साथ है, क्या ये लक्ष्मी आज तक किसी की हुई, चक्रवर्ती की लक्ष्मी भी जब उसके साथ नहीं गई और इंद्र की संपत्ति भी जब हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रही, तो फिर सामान्य मनुष्य कहां लगता है। नश्वर है धन संपदा, नश्वर है सम्मान, नश्वर है नाते सभी, नश्वर है तन प्राण। और आज इतना सुनने के बाद मैंने एक निर्णय तो अपन कर सकते हैं कि संपत्ति का संबंध पुण्य से है, उसका अहंकार करना बुद्धिमानी नहीं है।